हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सी सेक्शन डिलीवरी। आइए जानते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के खतरे। अगर आप भी सी सेक्शन डिलीवरी कराते हैं तो आपको इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, सी सेक्शन एक बड़ी सर्जरी है तो इसके अपने खतरे हैं। सी सेक्शन करवाने वाली महिलाओं को सामान्य डिलीवरी करवाने वाली महिलाओं के मुकाबले इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। उन्हें अधिक रक्त निकलने, रक्त के थक्के जमने, पोस्टमार्टम दर्द, अधिक समय तक हॉस्पिटल में रहना और डिलीवरी के बाद उभरने में अधिक समय लगना जैसी परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा ब्लैडर में चोट आदि जैसी दुर्लभ दिक्कत भी हो सकती है। शोध इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के जरिए 39 हफ्तों में पैदा हुए बच्चों को सांस संबंधी तकलीफ होने की आशंका सामान्यता रूप से जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके साथ ही अगर आप अधिक बच्चों की योजना बना रही हैं तो ये हर बार सीजेरियन के बाद की जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। हालांकि ये बात सही है कि सभी इन्फेक्शन को ना तो रोका जा सकता है और ना ही रोका जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में सी सेक्शन जरूरी हो जाता है। इसके बिना माँ अथवा शिशु दोनों के प्राणों को खतरा भी हो सकता है। अपने डॉक्टर से इस बात की जानकारी जरूर लें कि आखिर आपको सी सेक्शन करवाने की जरूरत क्यों है। इसके साथ ही उससे सी सेक्शन से संभावित लाभ और खतरे के बारे में पूरी जानकारी ले लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सी सेक्शन डिलीवरी करवाने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।